अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां निर्वाचन आयोग का चुनाव पर फोकस। पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई है, कर्मचारी और अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग के साथ पुलिस का भी पहरा यहां पर रहेगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 19 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं यानी परसों, और आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में अब ड्यूटी चालू हो जाएगी जो सुरक्षा कर्मियों की, या जो व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें या हर लिहाज की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे मतदान केंद्रों की हो, तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही है? देखिए, लगातार जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उनके उस गाइडलाइनों के तहत जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उनके नेतृत्व में बैठकों का सिलसिला जारी है, और जो जनपदों के जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, और कहीं कोई अगर अड़चन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में आ रही तो उसका समाधान भी किया जा रहा है। किस तरह से ज्यादा मतदान हो सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। कई पहल जो है वो आयोग के स्तर से की गई है, खास तौर पर बड़ी तादाद में जो अलग अलग विभागों के कर्मचारी और अधिकारी चुनाव के ड्यूटी में तैनात किए गए हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है, और जैसे जो पोलिंग पार्टी होती है, जैसे उनको बिस्तर जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, तो स्थानीय स्तर पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि अक्सर हम देखते थे चुनाव के दौरान जो पोलिंग पार्टी जनपद मुख्यालय के एक स्थान से जब रवाना होती थी तो बिस्तर जैसी और ईवीएम मशीन लेकर के रवाना होती थी, तो इस बार उनका जो बोझ है पोलिंग पार्टी का वो भी कम करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ एक जो हेली एम्बुलेंस है उसको भी व्यवस्थित किया गया कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की अगर कोई स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है या किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उस समय उस हेली का उपयोग किया जा सके, उसको तत्काल एयरलिफ्ट करा करके हायर सेंटर पहुंचाया जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, और जो मतदाता है, चाहे वो युवा मतदाता है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसके अलावा जो उम्र दराज मतदाता है उनके लिए व्यवस्था की जा रही, जो विकलांग है और जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ब्रेल के जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे पहलू हैं जिनकी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है, और अब चूंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है कुछ ही घंटों बाद जो है मतदान शुरू होगा, तो उसी के दृष्टिगत सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि जो निर्वाचन की मशीन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चुनौतियों की बात करें तो क्या इस बार कोई चुनौतियां नजर आ रही है यहाँ पर आयोग के सामने? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में मतदान थोड़ा सा एक चुनौती हम कह सकते हैं होता है, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं पहाड़ों के जो काफी दूर है, दूरस्थ है, सीमांत क्षेत्र है। पिथौरागढ़ की हम बात कर लें, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून का जो चकराता क्षेत्र है, उत्तरकाशी है, जहां पर एक रोज पहले ही पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नहीं 10-10 किलोमीटर की का पैदल सफर तय करने के बाद जो पोलिंग पार्टी को वहां पहुंचना होता है, और ऐसे में जो पोलिंग पार्टी के लिए जिनका अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका भी ख्याल रखना होता है निर्वाचन आयोग को, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती है। दूसरा, जो दूरस्थ और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर अक्सर मौसम का मिजाज बदलता रहता है, जिस हिसाब से मौसम विज्ञान केंद्र ने भी मौसम का मिजाज बदलने की आशंका जताई है, तो कहीं ना कहीं जो पल-पल मौसम, पहाड़ों का पल-पल का जो मौसम का मिजाज बदलता है, ये भी बड़ी चुनौती है। तो यही इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया, और पिछले जो चुनाव हुए हैं, पिछली बार जब चुनाव हुए थे उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जो मैदानी क्षेत्रों के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र, यहाँ पर विशेष जो है वो निर्वाचन का पुलिस फोर्स का फोकस रहने वाला है। जी, बने रहिए हमारे साथ, सोनू जल्दी आपका रुख करेंगे।